रांची शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गुरुवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार और डीसी छवि रंजन ने हरमो नदी का सर्वे किया है। इस दौरान उन्होंने नदी के 15 मीटर के दायरे में हुए सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए जल्द उन्हें हटाने का निर्देश दिया। साथ ही आगे भी जलाशयों में होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए विशेष टीम बनाने की बात कही है। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई पहले से शुरू कर दी गई है। रांची नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस पर काम कर रही है। दो दिनों पहले इस विषय पर बैठक हुई थी, जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन सभी जल स्रोतों के पास जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। यह टीम हर दिन किए गए सर्वे की रिपोर्ट बनाएगी और अंत में एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनाई जाएगी। दो दिनों पहले एक बैठक भी करी थी मैंने और डिप्टी कमिश्नर महोदय ने, और हम लोग जो भी वाटर बॉडीज हैं, मैं और डीसी साहब संयुक्त रूप से खुद भी विजिट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और भी कई जो वाटर बॉडीज हम लोग ज्वाइंटली विजिट भी करेंगे, और ये टीम एक ज्वाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। हर दिन की रिपोर्ट हम लोग लेंगे, जो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत जहाँ पे अतिक्रमण के मामले होंगे उसको हम लोग पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में इनिशिएट करेंगे, और जो बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन है या किसी भी वाटर बॉडी से 15 मीटर के दायरे में अगर कोई संरचना बनाई गई है तो निश्चित तौर से वो परमिसिबल नहीं है, उसको हम लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के मामलों में जो है उसको टेकअप कर रहे हैं। और ये अभियान जो है ये एक दिन का, दो दिन का, चार दिन का अभियान नहीं है, हम लोग पूरा एंड टू एंड जो है रिवर बेड जो है उसको हम लोग क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, ये टीम उसको फॉलोअप करेगी, और हम लोग हर दिन के मामले दर्ज करेंगे, और उसमें जो भी अनधिकृत निर्माण हो रखा है उसको डिमोलिश करने का काम पूरी दृढ़ता और सख्ती के साथ करा जाएगा। डेफिनेटली उसके लिए मॉनिटरिंग सेल हम लोग जो है ऑलरेडी जो है टीम रहती है टाउन प्लानिंग के भीतर भी, और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं। डेफिनेटली इसको और ज़्यादा रिग्रेस मोड पे इसको मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है, और हम लोग सरकार को एक एक्सक्लूसिव प्रस्ताव जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग का, जो दिल्ली में जिस मॉडल पे काम होता है कि दिल्ली में जिस तरह से कोई या मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरह से किसी अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग की जाती है, हम लोग भी एक डेडिकेटेड टीम बनाकर कुछ एडिशनल मैन पावर उसमें पूल करके हम लोग डाल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसी चीज़ों को डिस्करेज किया जा सके। वहीं हरमू नदी पर अतिक्रमण का सर्वे करने पहुंचे डीसी छवि रंजन ने कहा रांची क्षेत्र में जितनी भी वाटर बॉडी है उसका सर्वे पहले ही किया जा चुका है, अतिक्रमणकारियों को चिन्हित भी किया जा चुका है, उन्हें हटाया भी जा रहा। वाटर बॉडी के 15 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उस पर निगम कार्रवाई कर सकता है, यह जिला प्रशासन और निगम आयुक्त के संयुक्त कार्य किया जा रहा है। देखिए पहले ही जितने भी रांची शहरी क्षेत्र में और जिले में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो काके डैम हो, हरमू रिवर है, हिनू नदी है, गितलसूट डैम है, हटिया डैम है, बड़ा तालाब है, इसके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज़ हैं, इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया और उनको हटाया भी जा रहा है बीपीएल एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल बायलॉज है उसमें भी, जैसे आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा कि कोई भी वाटर बॉडीज़ के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक संयुक्त प्रयास है नगर निगम का और जिला प्रशासन का, ये कमेटी भी बनाई गई है अपर समाहर्ता और उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में, और उसमें SDM से लेकर सभी कंसर्न CO, टाउन प्लानर, JE, अमीन सभी लोगों को इसमें नियुक्त किया गया है, और प्रत्येक दिन ये लोग सर्वे करेंगे, और जहाँ पर भी GM लैंड होगा, सरकारी ज़मीन होगी, उस पर अगर अवैध बनाया काम किया गया है तो उस पर नियमानुसार उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ अगर 15 मीटर के अंदर कोई काम किया गया है उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा उसको हटाया जाएगा। तो ये प्रयास पहले से ही जारी चल रहा था, परंतु इधर जो है कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है, और इस कारण से इस पर थोड़ा सा और हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता थी, और आज से इसको ज्वाइंट सर्वे हम लोग शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में जितने भी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जाएंगे उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।